गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग याद होगा पढ़े थे एक्चुअली कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे उसमें एनर्जी स्टोर्ड। फिर जब हम दो कैपेसिटर या दो कंडक्टर को जिसमें कैपेसिटेंस C1 C2 था, उसका पोटेंशियल V1 V2 था, चार्ज का फ्लो हो रहा था, एक पे चार्ज Q1 Q2 था, एक पे Q1 अगले पे Q2 था, फाइनली वो हम लोग क्या कहते हैं चार्ज Q1-Q2- किए थे। तो उस पर हम लोग कुछ देखे थे रिजल्ट, है ना। उस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, उसको ट्राई करिए। तो जैसे मान लो एक कंडक्टर है, इस पर चार्ज है -50 कूलम्ब, इसका रेडियस है, रेडियस ऐसा नहीं होता, थोड़ा सीधा होता है, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस पर एक चार्ज है +30 कूलम्ब, ठीक है, और इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि देन दोनों पे चार्जेस क्या होंगे Q1 आफ्टर कनेक्शन। अगर हम दोनों को कनेक्शन कर दे, जैसे मान लो ये भी कनेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम कनेक्ट कर दे दोनों को, तो दोनों पर चार्ज क्या होगा ये सोचना है आफ्टर कनेक्शन का, ठीक है। अभी कनेक्ट नहीं है, आपको चार्ज बताना है फर्स्ट पे भी और सेकेंड पे भी। बनाइए जल्दी से। बन गया। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले हम टोटल चार्ज देखते हैं, तो Q1 और Q2 ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा हमको। तो टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा आपका -20 कूलम्ब, है ना, -50 + 30 -20 कूलम्ब। अब कह रहा है आफ्टर कनेक्शन, तो आफ्टर कनेक्शन चार्ज का फॉर्मूला जो था Q1- का वो था Q R1 / R2, याद होगा हमने लिखवाया है ये फॉर्मूला। चार्ज का वैल्यू कितना, -20 × 3/5, 4 टाइम में -12 कूलम्ब। अब Q2- निकाल लो, ये रिजल्ट हो जाएगा कितना, Q का वैल्यू फिर कितना, वही -20 × 2/5, 5 से फिर 4 टाइम में -8 कूलम्ब, डेट इज -20। आप देख सकते हो, नोट करिए इसको, और इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया नोट आप लोग का। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, जो बोले थे एक और टाइप का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये है, रहने दो उसको। कह रहा है कि दो स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर, दो स्फीयर है, और एक्चुअली हमने दोनों को सेम चार्ज डेंसिटी दिया, डेट इज सिग्मा, इस पर भी सिग्मा है और इस पर भी सिग्मा है, इसका रेडियस R है और इसका रेडियस 2R है। अब कर दिए इनमें कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन कर दिए। आपको बताना है कि इस 2R वाले का न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ये बताना है। बड़े वाले स्फीयर का नया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सोचिए जल्दी। ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन का सॉल्व कैसे होगा। सबसे बड़ा बात, पहले तो हमको इसका उसका चार्ज चाहिए, क्योंकि बिना उसके हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम इसका चार्ज निकालते हैं Q1, डेट इज हो जाएगा आपका 4πr² × σ। 4πr² × σ कैसे हुआ, समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि 4πr² उसका सरफेस एरिया होता है, और वैसे ही Q2 वाले का हो रहा होगा 4 × 4=16 × σ, ये होगा, क्योंकि 2R का होल स्क्वायर तो पहले ही 4 हो गया, 4×4=16। यानी कहने का मतलब यहां से ये पता चला कि टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा एक्चुअली क्या, दोनों का सम, दैट इज 20πr² × σ। ये हमको इनिशियल टोटल चार्ज मिल गया, कनेक्शन के बाद चार्ज बदलते हैं ये आपको भी मालूम है, लेकिन क्या कॉमन रह जाता है पूरे में, क्या चीज है जो कभी नहीं बदलता,
वो ये है कि टोटल चार्ज कभी नहीं बदलता, टोटल चार्ज हमेशा 20 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा ही रहेगा, इनिशियल भी और फाइनल भी। और एक चीज़ हमको यहाँ से क्या मिल रहा है कि दोनों चार्जेस का जो रेशियो होगा, अगर हम निकालें जैसे Q2 वाले का हम लिखे रिजल्ट यहाँ पर, तो QR2 by R1 plus R2 है ना, तो रेशियो जब निकालेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डेट इज R1 अपॉन R2 आएगा, यानी चार्ज का रेशियो जो होता है वो रेडियस के रेशियो के इक्वल होता है ना। तो नया जो चार्ज बना होगा Q1 dash और Q2 dash, ऑब्वियस है कि वो R1 अपॉन R2 के रेशियो के इक्वल होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं, ये इसलिए निकाल रहे हैं कि हमसे नया सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा है। तो मान लो कि नया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश आया हो इस पे, मान लेते हैं, तो सिग्मा डैश क्या होगा इसका, तो सिग्मा डैश होगा एक्चुअली कि Q2 डैश इस पर का चार्ज जो हम Q2 डैश फाइंड आउट करेंगे जो भी हो, डिवाइडेड बाई जो इसका सरफेस एरिया है डेट इज 16 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमको Q2 डैश मिल जाए तो 16 पाई आर स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें तो फाइनली वी हैव माई आर आवर, वी हैव आवर न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चलो देखते हैं, R1 का वैल्यू R और इसका वैल्यू 2R, R से R कैंसिल हाफ हो गया, यानी कहने का मतलब ट्वाइस ऑफ Q1 डैश इक्वल्स Q2 डैश, ठीक है। अब Q2 और Q1 में एक रिलेशन मिला है और रिजल्ट हमने पहले बोला था कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो चार्ज को कांस्टेंट करते हैं, निकालते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल्स Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 प्लस Q2 कितना, 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा इक्वल्स, वैल्यू रख दो। तो Q1 डैश को Q2 डैश को नहीं, हमको तो Q1 डैश चाहिए ना, ठीक है, तो Q1 डैश को करना होगा Q2 डैश अपॉन 2 होगा, ठीक है, तो Q2 डैश डिवाइड बाय 2 प्लस Q2 डैश, तो ये आ जाएगा 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा इक्वल्स 3 Q2 डैश अपॉन 2, तो Q2 डैश आ जाएगा 40 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 3, ठीक है, 40 पाई आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा अपॉन 3। अब वो वैल्यू यहाँ रखिए तो आ गया आपका, इसलिए सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, 40 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसल, 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, तो रिजल्ट आ गया 5 सिग्मा अपॉन 3, है ना, ये रिजल्ट क्या गया 5 सिग्मा अपॉन 3 है इसका नया वाले का चार्ज डेंसिटी होगा इस वाले का। वैसे उस वाले का भी आप फाइंड आउट कर सकते थे, बस सिंपल आपको Q1 डैश निकालते तो Q1 डैश आता 3 Q1 डैश, और फिर वैसे ही 3 Q1 डैश ले लेते, मतलब 3 Q1 डैश इक्वल टू 20 आता, तो Q1 डैश आ जाता आपका 20 बाई 3, और फिर उसमें 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करते तो आ जाता, चलिए सेम ही आता ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग इसको छोड़कर आगे टॉपिक पे चलते हैं। याद होगा हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़ा है, जिसका वैल्यू आया था सी, क्या था सी का वैल्यू, कुछ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, याद आ रहा है कुछ ऐसे, तो चाहे तो ये पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन चलो उसको बाद में देखेंगे, पहले टॉपिक कवर कर लें फिर हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। वैसे उस क्वेश्चन को हम लोग जब सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ेंगे तब भी हम उसको समझ सकते हैं, तो अभी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी है बाद में भी। हाँ, तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे डायलैक्ट्रिक को, लेकिन उसके पहले एक बात हम करते हैं, जो हमने आपको बोला था कि आपने पढ़ा होगा एक रिजल्ट, क्यू इक्वल्स होता है इंड्यूस्ड का माइनस क्यू वन माइनस वन अपॉन के। माइनस को सिर्फ इसलिए देते हैं कि हमको पता होता है कि जो चार्ज हमने बाहर से लाया है उसका जस्ट अपोजिट चार्ज ही डेवलप होना है अगले पे। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर एक चार्ज ले आए प्लस
और अगर हम इसके पास एक स्फीयर लेके जाएंगे तो इस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा फाइनली वो इस पे माइनस ही होगा फाइनली, जब हम अर्थ पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, अर्थ भी कर लेते हैं, क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ और यहाँ प्लस हुआ, तो फिर हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, कहते हैं अगले स्टेप में अर्थ कर दो। चलो अर्थ कर दिए, अर्थ कर दिए, ये जीरो वोल्ट, ये समथिंग कुछ पॉजिटिव वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है हाइयर से लोअर, है ना, क्या बात, लोअर से हाइयर, लोअर से हाइयर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको बैलेंस कर देगा, सफिशेंट जितना इलेक्ट्रॉन दे देगा तब तक ये पूरा जीरो ना हो जाए, जब जीरो हो गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर खत्म, तो जब जिसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता तो हमको भी इसका भी नीड खत्म, इसको फिर हम हटा देते हैं, फिर इसको हटाने के बाद फिर हम इसको हटाते हैं तो हमारा ये पूरा स्फेयर निगेटिव चार्ज मिल जाता है इंड्यूस किया हुआ, और इंड्यूस चार्ज इसके इक्वल होता है, जहाँ के क्या है, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, पूछे डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है तो आप बता सकते हैं ये उसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड रखने की, और इसका वैल्यू होता है डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का, आपको कुछ ऐसा याद होगा, देखिए आप पढ़े होंगे, एफ वैक्यूम में क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 / r2, याद है ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, और मीडियम का क्या पढ़ा था, 1/4πε0 εr Q1 Q2 / r2, याद आ रहा है कुछ। अब डिवाइड अगर आप दे दो वैक्यूम में मीडियम वाले से तो देखो रिजल्ट आ जाएगा आपको ER का, देखो तो आएगा 1/1/ER आएगा, तो ER आ जाएगा रिजल्ट, देख लेते हैं, मान ली हम गलत हो, ठीक है हम सही थे, रिजल्ट आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा ये ER, ER को कहीं कहीं K भी कहते हैं, और यही है हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर कोई पूछेगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम एट अ सर्टेन डिस्टेंस, वही दो चार्ज के बीच में वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है, वही दो चार्ज के बीच में जो मीडियम में फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो फाइंड आउट होगा उसे हम लोग डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहेंगे, या इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वैक्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, सिंपल है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम का है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम का है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसको भी शायद नोट कर सकते हैं, तब हम लोग चलेंगे वो ये रिजल्ट देखते हैं कि आखिर आता कैसे है, इसको समझना जरूरी है, हो गया नोट। देखिए अब चलते हैं इंड्यूस चार्ज ऑन डायलेक्ट्रिक, मिटा दे इसको, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डायलेक्ट्रिक। देखो जैसे मान लो कि एक डायलेक्ट्रिक हमने रखा, ये हमारा डायलेक्ट्रिक है, और इसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा है, जैसा कि कैपेसिटर में हम लोग इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू करके करते हैं, याद आ रहा है कुछ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ही रखते हैं, तो इस पे यहां माइनस चार्ज इंड्यूस होता है और यहां प्लस, ऐसा कुछ याद होगा आपको, फील्ड अभी ठीक है। अब जरा देखो इसके कारण, मान लो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ई नॉट है जो हमने लिया है, ऐसा इसको बताया भी थे आपको याद होगा, इसका रिजल्ट हम बताए हैं, बस वो डायलेक्ट्रिक के टर्म में नहीं था, और अंदर का फील्ड ई पी लिए थे ना, याद आ रहा है कुछ, पोलराइजिंग, अभी इंड्यूस की बात कर रहे हैं तो हम चलो थोड़ा सा आई कर लेते हैं इसको, बट ये समझना कि ये अंदर का फील्ड है जो इस तरफ से आ रहा है, तो अंदर जो नेट फील्ड मिलने वाला है रिजल्ट वो ई नॉट माइनस ई आई होगा, है ना, और नेट फील्ड जो होता है किसी भी डायलेक्ट्रिक के अंदर वो हम बोले थे देखो कि के इक्वल्स होता है वैक्यूम बाय मीडियम, तो यहां से मीडियम क्या हो जाएगा, वैक्यूम बाय के, ये लिखाया था ना भी जस्ट, के का वैल्यू क्या बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, तो वैक्यूम का तो ई नॉट है और मीडियम का जो नेट निकाले वो ई है, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन ई, तो ई इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के, अब E की जगह E नॉट अपॉन K रखते हैं, E नॉट अपॉन K इक्वल्स E नॉट माइनस ई आई,
तो अब हम करते क्या हैं, ई आई को बेचारे को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन के। कोई दिक्कत देख लो। अब देखो यहां से ई आई क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू वन माइनस वन अपॉन के होगा। वेरी गुड। अब यहां से रिजल्ट क्या हो जाएगा, ई का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ये होता है सिग्मा वाई इप्सिलॉन नॉट किसी भी कंडक्टर के ऊपर, किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो है सरफेस पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट या सिग्मा ही कहो इसको और क्या, इंटू वन माइनस वन बाई के। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन कट गया और सिग्मा को हम लोग लिखते हैं क्यू अपॉन ए। तो क्यू इंड्यूस्ड अपॉन के इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एरिया ना बच्चा, एरिया बच्चा बच्चा एरिया अपॉन ए इंटू वन माइनस वन अपॉन के। ए से ए कैंसिल, तो क्यू इंड्यूस आ गया क्यू इंटू वन माइनस वन अपॉन के। माइनस सिर्फ इसलिए लगाना है क्योंकि आपको मालूम है कि आपने जैसा चार्ज लिया उसका जस्ट अपोजिट नेचर डेवलप होगा, बट फॉर्मूला यही है। और आप जानते हैं कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए के क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर हम डायलैक्ट्रिक की जगह कंडक्टर रख देते तो के का वैल्यू इन्फिनिटी होता है और वन अपॉन इन्फिनिटी को हम लोग जीरो कहते हैं, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो ये वन माइनस जीरो वन, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू इंड्यूस्ड क्यू के इक्वल हो जाएगा, बट वो माइनस में साइन रहेगा, आपको भी मालूम है कि क्यों। नोट कर लीजिए इसको, हो गया नोट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है जो हम यहाँ पे डायग्राम एक्चुअली बनाए हुए भी हैं, वो टॉपिक ही है कि द डायलैक्ट्रिक का हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी पैरल प्लेट कैपेसिटर में तो क्या होता है। एक्चुअली इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक कर सकते हैं इसको पैरल प्लेट कैपेसिटर पे। मतलब डायलैक्ट्रिक के बीच में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आपको एक डायलैक्ट्रिक रखना है। तो चलो नहीं देखने में थोड़ा अजीब लगेगा पढ़ने का, तो फिक्सन ले सकता तो ठीक होता, फिक्सन वाला पता होता। हाँ, तो चार्ज दिया जाए इसको, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्डिंग ले लेते हैं। ई ई क्या था आपका, ई क्या था आपका, ई नॉट माइनस ई आई, और इसका वैल्यू था ई नॉट अपॉन के। बाहर फील्ड आपका ई आई ई नॉट ही रहेगा, इधर भी ई नॉट। मान लेते हैं कि इसका थिकनेस आपका टी है और ये पूरा थिकनेस डी है, सेपरेशन पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का। अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस, तो सी का फॉर्मूला होता है सबसे बेस्ट क्यू अपॉन वी। तो क्यू तो हमको मालूम है, चार्ज हमने खुद दिया है, लेकिन वी नहीं मालूम है,
वी निकालना होगा। तो वी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ई इंटू डी होता है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वी का फॉर्मूला इंटू डी होता है, लेकिन यहाँ पे ई हमारे लिए दो है, बाहर अलग है और अंदर जो डायलेक्ट्रिक के अंदर है वो भी अलग है। तो बाहर जो है वो कितना है, ई नॉट है ना, कितना है ई नॉट है। तो ई नॉट इंटू कितना लेंगे, तो देखो ई नॉट जो है वो टी को छोड़ के सारे जगह पे है, सिर्फ टी को छोड़ के सारे जगह पे है। तो टी हटा दो तो बचिएगा कितना, डी से टी हटा रहे हो तो कितना बचा, डी माइनस टी, ठीक है। और जो हमारा ई नॉट अपॉन के है वो कितना है, टी के लिए है। ई नॉट अपॉन के किसके लिए है, टी के लिए है, कोई दिक्कत, चलो सही है। तो ई नॉट कॉमन ले लेते हैं, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और ई नॉट का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं इसके पहले, डेट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों हुआ था याद होगा आप लोग को, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल, ये रिजल्ट आया था। तो ये रिजल्ट है हमारा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, है ना। अब सिग्मा को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन टू, अरे टू कहाँ से चलाया घर हो क्या तुम लोग, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब हमारे पास वी मिल चुका है, सी का फॉर्मूला है क्यू अपॉन वी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स क्यू अपॉन वी से, तो इस Q में इस V से डिवाइड देंगे तो Q से Q कैंसिल होगा और एप्सिलॉन नॉट जो डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये रिजल्ट है आपका कैपेसिटर, नोट करिए। अब सवाल ये उठता है कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा, तो देखो टीप रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड घट चुका है, इस पूरे रीजन में इतने क्षेत्र के लिए कम से कम टी लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड घटा है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ है इसका मतलब कि वी भी डिक्रीज हुआ होगा, वी तो ई इंटू डी ही है, तो अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। सोचो अगर ये डायलेक्ट्रिक नहीं होता तो यहाँ ई नॉट होता, ये होता ना, यानी ये पॉइंट ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया तो पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, और अगर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस तो ऑलवेज राइज ही करेगा, ये फिक्स है। चलो यहां ये हो गया। अब मान लो कि इफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा, तो पूरा का पूरा डिक्रीज कर जाएगा, सारा फील्ड ही डिक्रीज कर जाएगा। जब सारा फील्ड डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि टी को हम डी लिख सकते हैं, टी जो है वो डी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, टी क्या होगा, डी के इक्वल हो जाएगा। तो टी को डी के इक्वल करो, तो डी से डी गया, ठीक है, के ऊपर जाएगा तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है हमको कि जब हम डायलेक्ट्रिक को पूरा कंप्लीट फील्ड कर दें तो मेरा कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज करेगा, यानी जितना उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उतना टाइम ये इंक्रीज कर जाएगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, हो गया नोट। अब अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा और चेंज करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, इसमें बहुत कुछ है वो पढ़ने को अभी, मतलब इसमें बहुत सारे ग्राफ भी पूछे जाते हैं डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड, उसके बारे में भी बातें करेंगे।
इसके कम्बिनेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि कम्बिनेशन अभी पढ़ाए नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक क्वेश्चन होगा, जो जो क्वेश्चन होगा आप लोग एकदम आराम से बनाइए, और जितना भी अच्छा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है, बाकी तो हम प्रयास करेंगे। देखो, अब मान लो यहाँ पर हमने एक डायलेक्ट्रिक रखा जिसका थिकनेस T1 है, इसका ये K1 है, दूसरा डायलेक्ट्रिक रखा जिसका थिकनेस T2 है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तीसरा रखा फिर हमने जिसका थिकनेस मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है और थिकनेस T3 है, तो ऑब्वियस है कि फील्ड अलग अलग इस बार बने होंगे, है ना। तो बाहर तो फील्ड E0 ही रहा होगा, E0, इसमें E1, इसमें E2 और इसमें E3। तो E1 क्या आया होगा रिजल्ट, E0 अपॉन K1। तो यहाँ का जो V1 बन गया होगा वो क्या हो गया होगा, E0 अपॉन K1 इंटू T1, ठीक है। E2 क्या हो गया होगा आपका, E0 अपॉन K2। तो यहाँ से इसका V2 क्या आ गया होगा, वो तो V2 आ गया होगा E0 अपॉन K2 मल्टीप्लाइड बाई T2, है ना। अब फिर देखिए E3 क्या आया होगा, E3 होगा E0 अपॉन K3। तो यहाँ से फिर V3 क्या आ गया होगा, E0 अपॉन K3 मल्टीप्लाइड बाई T3। और तीन पोटेंशियल मिल गया, और जो हमारे पास एक और V0 पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, E0 इंटू D-T1 T2 T3, ऐसा कुछ होगा। देखिए तो, क्योंकि ये जो आपका E0 फील्ड है वो पूरे D में से ये T1 T2 T3 को हटा के बना होगा, है ना। पूरे D में से पूरा ये D है, उसमें से ये तीन हटा देंगे तो हमको बाकी जगह पे E0 ही मिलेगा। तो इस हिसाब से मेरा नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो V क्या हो जाएगा, सारे पोटेंशियल को ऐड कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा, E0 कॉमन ले लेते हैं, और E0 का वैल्यू कितना था, σ/ε0, और सिग्मा को क्या लिखते हैं, q/ε0 a। तो E0 सब में कॉमन है, और E0 का ये वैल्यू है हमारा, कॉमन लो, रिजल्ट क्या लिखाएगा, D-T1 T2 T3 ब्रैकेट T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 एंड T3 अपॉन K3, ठीक है। अब हमसे निकालना है C, तो C का रिजल्ट साफ है कि Q में इसको डिवाइड देंगे, ε0 ऊपर जाएगा और ये सारा टर्म नीचे आ जाएगा, तो C का वैल्यू आ गया जो q/v से आता है, ये आ गया आपका ε0 a डिवाइडेड बाई D-T1 T2 T3 T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 T3 अपॉन K3। अब सोचो ये चीज आप लोग कि ये तो रिजल्ट है हमारा तीन स्लैब रखने पे, अगर तीन की जगह चार होता तो यहाँ 4 आता, यहाँ भी 4 आता, 5 होता तो 5, यानी ये इनफाइनाइट टर्म तक जा सकता है, n टर्म तक जा सकता है। यानी अगर हम कहें कि इफ़ n स्लैब्स आर इंसर्टेड तो देन हमारा जो c का फॉर्मूला होगा वो qy क्या होगा, देखो D-, ये T1 से लेके कहाँ तक जा सकता है, n तक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो समेसन ऑफ Ti, i का वैल्यू 1 से लेकर n तक आ गया समेसन, ठीक है, प्लस समेसन ऑफ Ti अपॉन
के आई, आई का वैल्यू वन से लेकर एन तक, ये आ सकता है। देखिए तो वही चीज है ना, टी वन अपॉन के वन, टी टू अपॉन के टू, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा C का वैल्यू जब n स्लैब्स इंटर करेंगे तब, नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट। अब इस पे भी बहुत कुछ हो सकता था, मान लो कि अगर ये, मान लो इफ स्लैब विल कंप्लीटली फिल्ड द स्पेस, वो स्पेस को कंप्लीटली फिल्ड कर गया है, तो फिर क्या होगा सोचो। अगर कंप्लीटली फिल कर जाए तो क्या होगा, तो यही होगा कि ये T1 प्लस T2 प्लस T3 जो हमारा समेशन n तक गया वो D के इक्वल हो जाएगा, यानी ये पूरा कहानी खत्म। तो C का वैल्यू ये हो जाएगा Q अपॉन सिग्मा Ti अपॉन Ki, I का वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब इसमें एक और चीज देखेंगे हम लोग, देखो जनरल केस का जो हमने रिजल्ट देखा था, सी का क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी अपॉन टी प्लस के, यही रिजल्ट देखा था ना हमने, ठीक है। अब कह रहा है इफ कंडक्टर ऑफ थिकनेस टी लेस देन डी, छोटा है, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर हम टी लेस देन डी ले और वो कंडक्टर हो, तो रिजल्ट तो यही था हमारे पास टी लेस देन डी के लिए डायलैक्ट्रिक लेके, और कंडक्टर के लिए क्या कहता है, इस जो कंडक्टर कह रहा है इसके लिए K का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, यानी K का वैल्यू हम रखेंगे क्या, इन्फिनिटी इसमें, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो, तो C इक्वल्स हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। आप चाहो तो शुरू से प्रूफ कर सकते हो पूरी तरह से, करना क्या होगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने E नॉट अपॉन K लिया था वो जीरो ले लेना, तो ऑब्वियस है कि ये टर्म पहले ही हट जाएगा। तो आप शुरू से भी प्रूफ कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो, और नहीं तो फिर इस वाले प्रूफ में आप K का वैल्यू इन्फिनिटी रख सकते हो, ये वाला प्रूफ करके फिर लास्ट में के का वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या शुरू में ही इन्फिनिटी रख दो वो भी सही है, जैसे भी जीरो तो आना ही है। ये हो गया। अब कह रहा है कि इफ कंडक्टर विल कंप्लीटली फिल्ड द डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीटली फिल्ड द डाइलेक्ट्रिक, अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा, देखो तो इसका मतलब क्या होगा कि D जो है वो T के इक्वल हो जाएगा, तो D की जगह T रखोगे जीरो, जब इन्फिनिटी ही मानेंगे अप्रॉक्स इन्फिनिटी, न्यूमेरिकल में तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अनडिफाइंड होगा, न्यूमेरिकली में तो हमको इन्फिनिटी ही लिखना होगा, लिखिए। ठीक है, नोट कर लिए इसको। चलिए एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देते हैं, हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। कह रहा है कि पैरेलल प्लेट से, कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड
गिवन टू अनदर प्लेट, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन देंगे एक प्लेट से निकाल कर दूसरा प्लेट पे। टू मेक अ पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 5 nF एंड अ स्टोर्ड 25 joule ऑफ एनर्जी। बनाइए कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 5 nF का उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होना चाहिए और 25 joule उसका एनर्जी होना चाहिए। बनाइए, आपके पास टाइम है, टेक योर टाइम। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमें गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो पहला आपकी फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो समझ में आ रहा है कि Q इक्वल्स Ne लगाना है। Q इक्वल्स क्या लगाना है, Ne लगाना है, ये तो सबसे पहले हमको समझ में आ गया, ठीक है। यानी Q निकालना होगा, Q निकालने के लिए क्या गिवन है वो देखते हैं। C गिवन है 5 nF, दैट इज 5×10⁻⁹ F। U गिवन है, दैट इज 25 joule। क्या U और C का यूज करके Q निकाला जा सकता है, सोचिए। एग्जैक्टली निकाला जा सकता है, क्योंकि U का फॉर्मूला होता है Q²/2C, होता है ना। तो फिर लगा लो, Q² क्या हो जाएगा, 2U×C, तो Q² हो जाएगा 2 × U का वैल्यू है 25, C का वैल्यू है फिर यही कोई 5×10⁻⁹, ये हो जाएगा आपका 50 और ये 250, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 25×10⁻⁸ कूलम होगा, देख लो होगा ना। अब स्क्वायर रूट निकालोगे आप, ऑब्वियस है, तो क्यू आ जाएगा 5×10⁻⁴ कूलम, है ना। तो हम जानते हैं कि एक कूलम के लिए 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन लगता है, ये तो हम लोग को जानते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन लगता है ना, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगता है। तो फिर इतने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारा, तो 5×10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 6.25×10⁻¹⁸, और ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड, सही बोले एकदम, जो भी बोला सही बोला है, मतलब ये थोड़ा सा इतना है ना, इतना ही होगा, और 10⁻²² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट कर लीजिए। हो गया नोट। देखिए अभी हम लोग किए क्या, हम लोग बना पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अलग अलग टॉपिक पढ़े हैं, अभी उसको हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, अगले क्लास में हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उस पर थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि वो चार्जिंग अभी डिस्चार्जिंग मत समझिएगा उसको, क्योंकि उसकी टॉपिक हम लोग आगे अलग से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम उसको देखेंगे कि बैटरी से कनेक्ट करने पर क्या होता है। जनरली आपको ये याद रखना होता है कि बैटरी से जब कनेक्ट कर रहे होते हो तो आप उसको चार्ज कर रहे होते हैं कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर को चार्ज करें इसका मतलब कि पहला बात की चार्ज उसका कांस्टेंट नहीं है। बैटरी से जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको चार्ज कर रहे होते हैं, इसका मतलब कि उसका चार्ज कांस्टेंट नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। कांस्टेंट क्या है, तो आपने उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट कर दिया है, क्यों, क्योंकि आपने उसमें एक्सटर्नल सोर्स एक पोटेंशियल का लगा दिया, बैटरी या सेल जो भी है, तो वी कांस्टेंट हो गया, क्यू कांस्टेंट नहीं, क्योंकि वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है अपना चार्ज स्टोर करना, बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। एक फिर उसके बाद एक आता है कि हम बैटरी रिमूव कर लिए, तो फिर क्या हो गया, तो बैटरी आप रिमूव किए होगे तो पार्टिकुलर जिस टाइम पे आप रिमूव किए उस टाइम पर वो उतना चार्ज तो ले चुका होगा जितना उसने चार्ज, मतलब उतना चार्ज तो उस पर रहेगा जितना उसने चार्ज ले चुका आपसे। मान लो आपने लगाया था उसमें कोई चार्ज नहीं था, बैटरी जब लगाया था उसमें कोई चार्ज नहीं था, बैटरी आपने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करने के बाद हो सकता है कि उस पर कुछ उसने चार्ज 200-300 कूलम ले लिया,
तो ये आप बैटरी रिमूव भी कर लो उस पर वो 300 कूलम चार्ज तो रहेगा, तो क्यू कांस्टेंट होता है जब बैटरी हटा लेते हैं तो, लेकिन वी कांस्टेंट नहीं होगा। ऑब्वियसली कि नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने फिर एक्सटर्नल सोर्स उससे हटा लिया है। तो फिर वहाँ आता है खेल कि जब हम बैटरी लगाते हैं तो फिर डायलेक्ट्रिक क्या करेगा, बैटरी हटाएंगे तो डायलेक्ट्रिक क्या करेगा। ये सारा केस हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्टे होम स्टे सेफ़।